मूंग दाल नमकीन कौन कौन खाता है कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे ये इतनी खास पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत फीकी सी लगती है, और बट जब मैं इसको चटपटी बनाकर खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो में ये सिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है, दो पैकेट मूंग दाल को एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हरी चटनी, लाल चटनी, थोड़े से कटे हुए प्याज, और इसमें तीखापन लाने के लिए हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च को। और चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और अमचूर, ये चार मसाले इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अलग प्लेट में हम सर्व करेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करने से इसका जो मसाला है, चटनी है, सब इसमें ना अच्छे से कोट हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फिर से गार्निश करना है। जो हमने अभी स्टार्टिंग में ऐड करे हैं वही सारे हमें गार्निश करने हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिपीट करने के बाद आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, बट जो दही है वो फेटी भी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। रेसिपी ट्राई ज़रूर करना।